Blair और सार्पेंट टूर, हैव यू एवर ट्राइड टू सी द ऑब्जेक्ट विद टीयर्स इन योर आईज? व्हेन वी हैव टीयर्स ऑन आवर आईज, वी कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली। वी ऑफन से द विजन इज ब्लर्ड। आप लोग कभी देखे हो जब आपकी आंखों से आंसू आता है तो आपको सामने वाला चीज जो धुंधला दिखता है, दैट इज ब्लर्ड। मतलब वो क्लियर नहीं दिखता, हेजी हो जाता है। जब हम लोग रोते हैं तो सामने वाली चीज जो है, हमारे आंख में पानी इतना होता है कि जो हमारा विजिबिलिटी है वो क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है, है ना? ठीक है, वही चीज यहाँ बता रहा है। ब्लरिंग मीन्स इमेज इज अनक्लियर और हेजी। ब्लरिंग का मतलब क्या होता है, जब इमेज अनक्लियर हो, जब क्लियरली नहीं दिखेगा या फिर हेजी होगा, है ना? इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ब्लरिंग मीन्स इमेज इज अनक्लियर और हेजी, अंडरलाइन कर लो। अ थिंग कैन नॉट बी सीन और हार्डली क्लियर, जब है ना? ब्लरिंग ब्लरिंग का इमेज मतलब अनक्लियर और हेजी तक अंडरलाइन करना है। हाँ। अ ओके थिंग कैन नॉट बी सीन और हार्डली क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लरिंग का मतलब है कि जब कोई थिंग, कोई भी सामान को जब हम लोग देख नहीं पा रहे या बहुत मुश्किल से देख रहे हैं अंडरलाइन क्या करना तो है? उसको हम लोग क्या करते, क्या कहते हैं, ब्लरिंग बोलते हैं। ये वाला अंडरलाइन करना है। ब्लरिंग मीन्स इमेज इज अनक्लियर और हेजी। व्हेनेवर आई एम रीडिंग, प्लीज पुट योर हैंड ऑन द पॉइंट रीडिंग। दिस इज वेरी बैड हैबिट फ्रॉम योर साइड सर, वेयर यू हैव टू अंडरलाइन। दैट मीन्स यू आर वॉचिंग हियर एंड देयर, यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द page, huh? What is this 70? Everyone, you are asking where sir, where sir, why? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। Yes no, sir. अभी आया? हेलो सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हेलो, अभी आ रही आवाज? यस क्लियर आ रही है। नाउ ब्लरिंग इज द मोस्ट कॉमन वे टू बोथ हाईलाइट एंड हाइड सर्टेन एलिमेंट्स विदिन अ। ब्लरिंग का मतलब क्या होता है, बोथ हाईलाइट एंड हाइड सर्टेन एलिमेंट्स विद इन अ फोटो। अगर कोई फोटो है उसमें कुछ पार्ट को आपको हाइड करना है, कुछ एलिमेंट्स को हाइड करना है, तो उसके लिए हम लोग ब्लरिंग का यूज करते हैं। जैसे कि आइए पेज नंबर 87 में, यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर। डिड यू नोटिस दैट पेंगुइन एट द सेंटर इज हेजी? हाँ, वही ब्लर दिखाने के लिए बता रहे हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, डिड यू नोटिस दैट द पेंगुइन एट द सेंटर इज हेजी। जो सेंटर में पेंगुइन है वो हेजी या ब्लर है, दिख रहा है सबको? द इफेक्ट कैन बी अप्लाइड टू द पिक्चर इन GIMP। कैन सच एन इफेक्ट बी अप्लाइड इन टेक्स्ट पेंट और यूजिंग एनी अदर इमेज एडिटिंग? ये इफेक्ट जो अप्लाई हम लोग GIMP में भी कर सकते हैं क्या? ये हम लोग टेक्स्ट पेंट में भी कर सकते हैं और यूजिंग एनी अदर इमेज एडिटिंग? यस, टेक्स्ट पेंट में भी है, आप ब्लरिंग कर सकते हो, वहां पे भी ऑप्शन है, यस लिख देना, ठीक है? ब्लर और शार्पन टूल अंडरलाइन करोगे। ब्लर और शार्पन टूल इज यूज टू ब्लर और शार्पन द इमेज और पार्ट ऑफ द इमेज। इसके लिए अगर आपको किसी इमेज को ब्लर करना है, धुंधला बनाना, हेजी बनाना, अनक्लियर बनाना है ना, फॉर दैट वी हैव अ टूल, एंड दैट टूल इज नोन एज ब्लर और शार्पन टूल। एक ब्लर टूल होता है या फिर उसको शार्पन टूल भी वहां पे अवेलेबल है। इन द ब्लर टूल, अंडरलाइन करो पहले, ब्लर और शार्पन टूल इज यूज टू ब्लर और शार्पन द इमेज और पार्ट ऑफ द इमेज, तक हुआ सबका अंडरलाइन हुआ? यस सर, हो गया। नाउ इन द ब्लर मोड दिस टूल इज यूज टू मेक द इमेज और द पार्ट ऑफ द इमेज हेजी और अनक्लियर, ये भी अंडरलाइन करोगे। ब्लर मोड क्या करता है, इमेज का जो पार्ट ऑफ द इमेज है उसको क्या बनाएगा, हेजी और अनक्लियर, मतलब धुंधला बना देगा। और नीचे शार्पन टूल में भी अंडरलाइन करोगे, इन द शार्पन टूल द टूल इंक्रीजेस द कंट्रास्ट वेयर द ब्रश इज अप्लाइड। अब शार्पन टूल क्या करेगा, इट इंक्रीजेस द कंट्रास्ट वेयर द ब्रश इज अप्लाइड। ये क्या करेगा, कंट्रास्ट क्रिएट करेगा, मतलब ब्राइटनेस लाएगा जो भी ब्रश आप यूज या अप्लाई। बोथ ब्लरिंग एंड शार्पनिंग कैन बी डन बाय रिपीटेडली मूविंग द ब्रश ओवर एन एरिया ऑफ द इमेज। ब्लरिंग और शार्पन मीनिंग अगर आपको अप्लाई करना है इमेज में तो आपको ब्रश को रिपीटेडली उस इमेज के ऊपर ड्रैग करना होगा, तब जाकर के आपका वो जो ब्लरिंग और शार्पनिंग विल बी। इसके लिए भी क्या बोलता है, सबसे पहले यू हैव टू ओपन द इमेज। तो हम लोग चलो अप्लाई करके देखते हैं, है ना? ओपन द इमेज, हम लोग इमेज ओपन करते हैं।
चलो इसी इमेज पर वर्क करते हैं। ये हमारे पास एक इमेज है, ठीक है ना, या कोई और इमेज भी हम ले सकते हैं। सर ये किस चीज का फोटो है, कौन है? आई मीन वो डायरेक्टर सर है कोयला नगर। ओह लाइब्रेरी वाला इमेज खोल रहे हैं। तो गूगल से डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं मिल रहा। यस गूगल से डाउनलोड कर। यस गूगल से निकल जाएगा मेरे से। सर पेंगुइन के इमेज ही को कर लीजिए। वही कर रहे हैं पेंगुइन। सी पेंगुइन ना। सर व्हाट सी पेंगुइन? यस सर। कौन सा ये वाला करते हैं? नाम से सेव कर दी। ये ओपन हो गया इमेज। अब क्या करना होगा, ब्लर और शार्पन टूल में जाना। तो ब्लर शार्पन टूल कहाँ है जी, हमको तो नहीं मिल रहा। कहाँ है देखो, कौन सा है ब्लर और शार्पन टूल? मिला डॉट टूल, ये रहा ब्लर और शार्पन टूल। क्लिक ऑन दैट, इस पे क्लिक कर लिए हम, ठीक है। डबल क्लिक, वी कैन सेलेक्ट द फॉलोइंग ऑप्शन फ्रॉम द टूल ऑप्शन एरिया। यहाँ पे फेड आउट, यहाँ पे भी बहुत सारा दिया हुआ है ऑप्शन टूल। देखो तो फेड आउट कहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है सबको, है ना? फेड आउट टूल ऑप्शन। चलो नाउ माय वॉइस इज क्लियर। यहाँ देखो अप्लाई जिटर पे आप अप्लाई कर सकते हो, वैरायटी ऑफ कलर्स आपको मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद डायनेमिक्स है, साइज है, ब्रश का साइज को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो यहाँ से, है ना? ये देखो ये सारे साइज को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, हार्डनेस को, ठीक है। अभी हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे, जितना साइज डिफॉल्ट दिया है उसी को यूज करेंगे। हार्ड एज, स्मूथ, फेड आउट, हेड एज, है ना? और क्या दिया हुआ नीचे देखो तो ब्लर, अभी ब्लर टूल यूज कर रहे हैं। हार्ड एज को भी आप यूज कर सकते हैं, स्मूथ स्ट्रोक को यूज करोगे तो यहाँ क्वालिटी में आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। रेट भी है कहीं, रेट को भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट है हम लोग उतना पे ही वर्क करते हैं। क्लिक एंड ड्रैग ओवर द रिक्वायर्ड पोर्शन, तो हम लोग इस पे ड्रैग करते हैं। ये देखो तो ब्लर हो रहा है, ये देखो हो रहा है जी, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, देख रहे हो। अगर मान लो इसको थोड़ा रेट को बढ़ा दें हम, और क्वालिटी को भी बढ़ा दें, अमाउंट को बढ़ा दें, प्रेशर कैपेसिटी भी यहाँ पे कुछ कुछ दिया कर सकते हो, और एस्पेक्ट रेशियो बढ़ा सकते हो, तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा और इंक्रीज करेगा ये ब्लरिंग, ठीक है। आप इसको भी ब्लर करना चाहो तो इसको भी कर दो। दिस इज द वे हाउ टू ब्लर एन इमेज यूजिंग ब्लर और शार्पन। अब शार्पन करना है, है ना? अब आपको शार्पन अगर करना है तो क्या करोगे, शार्पन टूल में जाओगे नीचे में, है ना? ये देखो शार्पन में क्लिक करोगे और ये शार्प कर देगा, ठीक है। ये ब्राइटनेस